पत्थर भेज रहे लो पत्थर चुराए राम राम सगड़ा ने। अगर थे चैनल पर नया हो तो चैनल ने लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर दियो। यहाँ ही आपा ब्रेकिंग न्यूज़ सुनाता रहेगा और थाने अपडेट हमेशा मिलती रहेगी। बारह जिले रे छबड़ा रिया घटना है। सांप्रदायिक बवाल रे बाद में हिंसक रूप ले लियो हो भीड़ और भी बाद में छबड़ा में कर्फ्यू भी लगा दियो गयो है और इंटरनेट सेवा तो बिल्कुल ही बंद कर दी गई है और इर बाद में आगजनी री घटना और ज़्यादा ना फैले ई वास्ते बिजली भी गुल कर दी गई है। दुकाना में लूटपाट री घटना सामी आई है। बटे ही खड़ी बाइका मोटरसाइकिल आग रे हवाले कर दी गई है। पुलिस पर पथराव री घटना भी सामी आई है। पथराव रे बाद में पुलिस हरकत में आई और बटे लाठी चार्ज कर भी भीड़ ने खदेड़ने रो काम करियो। पूरी घटना की अगर आप बात करा तो पूरी घटना की बात आप इं करा कि अहमदपुरा रा निवासी कमल सिंह फलों की दुकान मत है फल खरीद रहा हा। तब बठे ही तीन युवक हा बांस आगे मारी। आपसी कहा सुनी हो गई, बहस हो गई और भी तीन युवक चाकू सू लगातार कमल सिंह पर हमलों करो भी हमले में बे गंभीर रूप घायल हो गया। तीन युवक की अगर आप बात करा तो आबिद समीर और फरीद नाम बतायो जावे है। आरी गिरफ्तारी भी हो चुकी है। जब ओ हमलो हुयो ई चिलम चाटी रे बीच में दुकानदार राकेश नागर दौड़ आया बठे बंद बचाण वास्ते लेकिन बा तीन युवक राकेश नागर पर भी हमलो कर दियो। ई दोना लोगों ने अस्पताल जल्दी से जल्दी रेफर कराया गया है। हालत बहुत ज़्यादा गंभीर बताई गई और भीड़ है जबकि बठे खतरनाक तरीकों लाग चुकी है। आप अगर बात करा आज री तनाव स्थिति तनावपूर्ण स्थिति कठे कठे इरो असर रहो तो आप बात करा ला सब्जी मंडी अलीगंज बाजार बस स्टैंड पुरानो बाजार आगरे हवाले कर दियो गयो है। बटे सैकड़ों दुकाना बार दी गई है और मोबाइल री दुकाना लूट ली गई है। अब भीड़ रे मायने उपद्रवी हा जका लोग बारे बीच में के लूटपाट री नजरों भी लोग हा जका दुकाना ने लूटन रो काम करियो और बटे ही खड़ा वाहन जका निर्दोष लोग हा बाने आगरे हवाले कर दियो गयो और बाना साधन भी आगरे हवाले कर दियो गयो। लेकिन गनीमत आ रही कि बटे कोई भी निर्दोष लोगों ने जान री कोई गंभीर हालत है जो कि अभी तक सूचना मार्ग ने को नहीं मिली है लेकिन बारा वाहन है जका बार दिया गया है। छह दुकाना एक कर कड़ी सू कड़ी जोड़ छह दुकाना लगातार आग लगा दी और मोबाइल वाली दुकान ने लूट लियो गयो। बारारा एसपी विनीत कुमार बंसल पहुंचा मौके पर जायजो लियो और कलेक्टर साहब राजेंद्र विजय भी बैठा पहुंचा और जायजो लियो और एसपी बारारा बा फ्लैग मार्च कर छाबड़ा में बैठे रही स्थिति भांपण की कोशिश करी। इरे बीच में अगर आप बात करा कि आ घटना है जबकि कितने आदमियों रे बीच में हुई तो आ दो समुदाय रे बीच में आपा केस कहा दो समुदाय वापिस एक बार फिर रविवार ने दोबारा इकट्ठा होया नॉर्मल बातें करने वास्ते लेकिन वे बातें एक उग्र रूप ले लियो और भी बातें रो बवाल बन गयो। बटे वापिस है घटना विस्तारित रूप में आपा यहाँ केस कहा कि एक बार फिर से उग्र रूप धारण कर लियो और दोनों समुदाय रे बीच में आपस में झगड़ो हो और लड़ाई भी तकड़ी हुई। इस बीच में पुलिस बटे मूक दर्शक बन खड़ी रही क्योंकि पुलिस है बटे
इं लगे जावे कि भीड़ रे आगे बेकाबू नजर आई। लेकिन आसे पासे रा जिता भी थाना हा बठे री फोर्स मंगाई, जद बठे पूरी फोर्स आई, जद छबड़ा री पुलिस हरकत में आई और पुलिस हरकत में आत आई आंसू गैस रा गोला भी छोड़ा और लाठी चार्ज कर भीड़ ने खदेड़ने रो काम करो है। बठे ही बाकी जका आरोपी हा, तीन आरोपियों ने हाथों हाथ ही बता दियो जावे है कि गिरफ्तार कर लियो हो। बाकी जका आरोपी हा बा ने गिरफ्तार करने वास्ते एक वापिस भी घटना स्थल पर वापिस मिलिया लोग, लेकिन बा रूप और कोई हो गयो और बहुत ही जबरदस्त जको है माहौल बन गयो। बठे ई नज़र ने देखते हुए, ई नज़रिए ने देखते हुए नज़रिया और पुलिस रा जका नज़रिया हा, आम लोगा रा नज़रिया हा, बन दोनों ने मिलाता हुआ अगर आप बात करा तो फिलहाल इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई है। क्योंकि इंटरनेट सेवा रो एक मुख्य कारण मान्यो जावे कि भाई इंटरनेट सेवाओं ऐसा उग्र रूप है जका फॉरवर्ड हुआ है बीरवास्त है। अब इंटरनेट सेवा कद वापिस चालू हुएली इरी अभी तक हमें पुष्टि कौन कर सका, इस बारे में अभी तक कोई खबर कौन आई है। बिजली री सेवा भी ठप कर दी गई है क्योंकि आगजनी री बार बार इसी घटना आती, जद बिजली री सेवा पूरी तरह बंद कर दी गई है। इसी ही खबरों वास्ते थे चैनल ने लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करो। बाकी कोई अपडेट मिलता ही मैं थारे सू जरूर रूबरू होवेला। जब तक राम राम।